अस्सलामुअलैकुम, हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल रानी जी एल ब्लॉग। तो आप सब कैसे, उम्मीद करते हैं और सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से बढ़िया हूँ। तो आज पर्व तो ख़त्म हो चुका है, और पर थकावट, जिसकी रात जाग जाने का थकावट जो था वो अभी नहीं निकला है। तो फिर भी आज मैंने थोड़ा सा घर का काम काज किए, कपड़ा वगैरह धोए, और खाना में लेट हो गया है, तो अब जा रही हूँ खाना बनाने। तो आगे तो चलिए वीडियो स्टार्ट। मैंने यहाँ कम डाल लिया है क्योंकि बाबू लोग का मुँह में पड़ेगा तो वो लोग ज़्यादा पसंद नहीं करता है। और आपके टेस्ट के हिसाब से आप जितना भी डाल मतलब इक्वल लीजिएगा चावल से, पर मैंने चावल से बहुत कम डाल लिया है। जैसे कि चावल मेरा 2.5 गिलास है और दाल मेरा 1/2 गिलास है। तो यहाँ पर मैं इसे हल्के आँच ब्राउन मतलब हल्के आँच पर मैं हल्का ब्राउन करूँगी, जिससे इसका स्मेल टेस्ट आता है, वही टेस्ट में आएगा। यहाँ पर मैं फटाफट से पहले भूज लेती हूँ। तो यहाँ माशाल्लाह ये हो चुका है, देखिए आप जैसे कि तैयार हो रहा है। अब बस मुझे चूल्हा का आँच में को बंद कर देना है, और इसे जल्दी गलने के लिए मैं फट से पानी इसमें ऐड कर दूँगी इसे। तो ये ऐसे करने से क्या होता है, दाल जल्दी फूल जाएगा। उसके बाद मुझे चावल और दाल को एक दोनों को एक दूसरे से मिक्स करना है। तो मैंने यहाँ चावल भी ले लिया है, चावल मेरा 2.5 गिलास है, छोटा चावल मैंने लिया है। तो यहाँ मैंने बड़ा का घूसा लिया है जो कि रिवाज वाला और चर्बीदार। तो ऐसा नहीं है, आप चिकी से भी बना सकते हैं, पर इस गोश्त का ज़्यादा भी ज़्यादा अच्छा लगता है। बड़ा का ले ले या मटन का ले ले, पर चर्बीदार होना चाहिए। और अभी मैं इसे सारा रेडी मतलब सारा कच्चा मसाला दे करके चढ़ाऊँगी। तो यहाँ मैंने 4 से 5 प्याज ले लिया है, ये तो बड़ी इलायची, लौंग और दालचीनी मैंने ऐड किया है, और तेज़पत्ता थोड़ी सी क्योंकि पुलाव में पड़ेगा ऊपर से। फिर अभी यहाँ पर मैं सूखी मसाले में दिखा दे रही हूँ, थोड़ी सी हल्दी ली हूँ क्योंकि पूरा येलो येलो हो जाएगा। और हल्दी आप नहीं भी डालें तो भी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर मैंने ज़ीरा, गोल मिर्च और हल्दी, मिर्चा, धनिया ये सब ले लिया है, और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डालें। तो यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी सूखी मसाला। ऐड करने के बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है, वो भी मैं ऐड कर दूंगी। और यहाँ पर ये डालने अदरक लहसुन डालने के बाद मैं थोड़ा सा तेल डालूंगी, क्योंकि ऐसे भी अभी जब मैं चावल को फ्राई करूंगी तो उसमें भी तेल डालना है मुझे, और चर्बीदार है तो ये रोगन अपने आप ही आ जाएगा। तो अब चलती हूँ इसे मिक्स करके मैं कुकर में बंद करके चढ़ाती हूँ। और यहाँ मैंने चढ़ा दिया, चलती हूँ मैं चावल को वॉश कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने डाल लिया है दोनों को मिक्स करके, अब बढ़िया से धो लूँगी। धोने के बाद इसे पानी से निकाल लूँगी। कढ़ाई है जो कि आलू फ्राई किया हुआ कढ़ाई है, तो इसमें मैं 2 टमाटर बैठा दूँगी भूनने के लिए। तो ये बढ़िया से यहाँ पर भून जाएगा। गोश्त रेडी हो चुका है और मैं इसे अच्छे से भून लूँगी। तो आप देख सकते कितना अरोमा निकला है इसका, तो इसे मुझे अच्छी तरह से भूनना है। और यहाँ पैन में मैंने देगची मैंने चढ़ा लिया है, और अब इसमें अंदाज से अपना तेल डालूँगी मैं। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा जैसे कि बताया था आपको, 2 से 3 मैंने हरी इलायची और काली इलायची एक ली है। ज़्यादा गरम मसाला का स्मेल इसके पापा को पसंद नहीं है तो मैं कम ही डालती हूँ। तो ये यहाँ पर कड़क रहा है, तो यहाँ ये चटक रहा है इलायची, तो इसमें यहाँ मैं फिर प्याज कट करके डाल दूँगी थोड़ा सा। यहाँ माशाल्लाह मेरा खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, और अगर देसी घी लेके बनाते तो और भी बढ़िया रहता। मैंने यही रिफाइंड ऑयल से बना लिया है, तो इसे हल्का बादामी कलर हमें देना है। और अब मैं आ जाती हूँ अपने गोश्त की तरफ, जो यहाँ पर मैं अच्छी तरह से भूनूंगी। तो यहाँ प्याज हमारा बादामी कलर में आ चुका है, और अब मैं यहाँ पर दाल चावल ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे डालने के बाद मुझे इसमें थोड़ा नमक डाल करके भूनना होगा, क्योंकि गोश्त में ऐसे भी नमक है, पर हल्का सा डालेंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो चलिए पूरा मिक्स करके मैं दिखाती हूँ। तो चलिए अब मैं इसमें तो इसमें हम जो गोश्त भुने थे मैं इसमें ऐड करूंगी अब। तो यहाँ माशाल्लाह से मैंने
गोश्त डाल के अच्छी तरह से भून लिया है चावल को। और अब मैं इसी कुकर को धो करके पानी में, देखिए जैसे कि कुकर में धो करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो मैं उतना वेस्ट नहीं करती कोई भी चीज़, चाहे तेल हो या चूल्हा का आँच हो। तो मैं माशाल्लाह हमेशा चावल में जो पुलाव होता है और तहरी वगैरह होता है, तो आप सब देख सकती होंगी, तो मैं हमेशा कच्चा पानी डालती हूँ। तो ये कुकर में थोड़ा मसाला रह गया था तो मैंने धो कर के इसमें डाल दिया है। तो मैं कच्चे पानी का इस्तेमाल करती हूँ। इससे ये नहीं है कि चावल ख़राब हो जाएगा, कुछ भी नहीं, बस अंदाज़ होना चाहिए। और माशाल्लाह मेरा अंदाज़ इतना परफेक्ट है कि मैं अपने अंदाज़ से पानी लेती हूँ, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा बेसी। तो मैं बस इसी तरह से जग से लेकर के ढाल देती हूँ पानी। तो यहाँ मैंने कल रात आलू बॉईल किया था बड़ा पाव बनाने के लिए, तो मैंने नहीं बनाया, आज आ गई मैं, और इसीलिए थोड़ा सा आलू मैंने यहाँ पर निकाल लिया है जो कि मैं अपने इसमें पुलाव में, जैसे कि खिचड़ी में डालूंगी, क्योंकि बिना आलू का मेरे बच्चे लोग नहीं खाएगा। तो यहाँ ये रेडी है, जब ये थोड़ा सा पकने में आ जाएगा तब मैं ये बॉयल आलू उसमें डालूंगी, क्योंकि आलू बॉयल है तब मैं डालूंगी। माशाल्लाह मैंने खिचड़ी चढ़ा दिया है और ढक करके पका रही हूँ मैं। और आलू, जैसे कि आपको पता है, ये जो खिचड़ी है, मतलब गोश्त वाला जो ये खिचड़ी है, ड्राई रहता है और माशाल्लाह से बहुत टेस्टी लगता है। और ये मैंने एक मामी से अपना सीखी थी, जो कि वो बनाती थी हमेशा और मैं बहुत शौक से खाया करती थी, तो उसी के रेसिपी है मैंने ट्राई किया, बनाया है, बराबर बनाती हूँ, पर आज आप सबसे शेयर कर रही हूँ। और जैसे कि इस खिचड़ी के साथ आपको चाहिए टमाटर का चटनी, धनिया पत्ता का चटनी और आलू का चोखा। तो बाबू लोग आलू का चोखा नहीं खाएगा, तो मैं आलू इसी में ऐड कर दे रही हूँ, और टमाटर है जो उसका चोखा चटनी में बना लूँगी। बस यही सब है, तो मैंने आप सबसे सोचा कि शेयर करूँ। अभी पकता है तो मैं दिखाती हूँ कि पकने के बाद कैसा लग रहा है मेरा चावल। अभी मैंने चला करके देखा था तो ये थोड़ा सा पानी सूखा है। तो अभी स्टेज में मैं आलू और हरी मिर्च ऐड कर दूँगी, क्योंकि इसमें भी थोड़ा इसका सब फ्लेवर इसमें भी आ जाए हमारे आलू में। चलिए माशाल्लाह पक रहा है। टमाटर में बॉईल कर लियो अच्छे से और इसे मैं मिक्स कर दे रही हूँ बढ़िया से, क्योंकि घर में सबको पसंद है ये चटनी। और आज मेरे बेटा बोला धनिया पत्ता इसमें नहीं डालना। माशाल्लाह खाना मेरा लग चुका है और देखिए चावल कितना फरहर हुआ है खाना, जिसे कि आपको दिख रहा होगा। और ना मैंने अंदाज से सब कुछ लगाया था तो अपने हिसाब से बहुत ही बढ़िया हुआ है और खाने में भी टेस्टी है। तो अभी देखते हैं मैं खा के, चलती हूँ खाने के लिए। आप सब भी आ जाइए, बिस्मिल्लाह कीजिए। और मेरा जैसे होता है, मैं अगर रात जाग जाती हूँ तो मेरा एक दो दिन तक मैं थोड़ा डाउन जाती हूँ और आँख में भी बहुत तकलीफें दिखती हूँ। नया डॉक्टर से चेकअप कराना हो, क्योंकि आँख का चेकअप कराए भी 6-7 महीना हो चुका है, फिर एक बार चेक करा लूँगी, आँख में तकलीफ़ हो रही है मेरा। तो इसी के साथ वीडियो का आज मैं यहीं पर एंड करती हूँ। थोड़ा सा रेसिपी तो आप सबसे सोचे शेयर कर लूँ। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और आप सब प्लीज़ एक बार ट्राई कीजिएगा, उसके बाद आप बताइएगा कमेंट करके। और इसमें वाइट बनता है, मैंने थोड़ा सा हल्दी डाला है, और आप चाहें तो हल्दी डालें या ना चाहें, नहीं चाहें तो ना डालें। और ऐसे खाना माशाल्लाह से ये खाना बहुत टेस्टी आता है। और मैंने एक चीज़ नहीं किया, धनिया पत्ता की चटनी मैंने नहीं तैयार किया, तो कोई नहीं, क्योंकि गर्दन मेरा बहुत आँख के वजह से दर्द हो रहा था, मैंने नहीं किया। तो आप सबसे बस शेयर की, क्योंकि आप सब मेरे अपने हैं, तो मैं सोची आप सबसे शेयर करूं। और ये खिचड़ी बहुत ही लाजवाब, बहुत ही ईजी है, बहुत झटपट बन जाता है। और अगर आप चाहें तो चिकन तो और भी आसानी से बन जाएगा, पर यही प्रोसेस से कीजिएगा। और अगर मेरे पास जैसे कि छोटा कतरनी चावल थी, जिसे कि अरवा कहा जाता है, आप कामनी चावल से भी बना सकती हैं। कामनी चावल से तो और भी लाजवाब लगेगा, और भी टेस्ट मतलब बढ़ कर के आएगा। तो मेरा रेसिपी बस यही होता है, नॉर्मल होता है, और ज़्यादा मर मसाला मेरे में नहीं ऐड करती हूँ। चलिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।